बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल के टॉपिक का आगाज किया था और नेटवर्क प्रोटोकॉल के टॉपिक के अंदर हमने उन प्रोटोकॉल्स को देखा था जो कि एक लैन नेटवर्क को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के लेक्चर में हम ऐसे प्रोटोकॉल्स को देखेंगे जो कि इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों आइए अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों आप इंटरनेट को अपने पास ऑन करने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट से और इंटरनेट उसका रिस्पांस आपको दिखाता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या है। फॉर एग्जांपल आपने गूगल के सर्च इंजन पर कुछ लिखा लाइक व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो ये आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की, एक दरख्वास्त की गूगल से और इसके बाद आप देख सकते हैं कि गूगल ने इस तरीके से उसका रिस्पांस आपको दिखाया, उसका जवाब आपको दिया इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पर किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं और वो फौरन खुल जाती है, तो मींस आपने एक रिक्वेस्ट की जिसका रिस्पांस वीडियो की शक्ल में आपको मिल गया। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट में कुछ भी सर्च करें हमें फौरन उसका आंसर मिल जाता है, तो ये कैसे होता है या फिर ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स किस तरीके से काम करता है? तो ये होता है एक प्रोटोकॉल के जरिए जिसका नाम है TCP/IP प्रोटोकॉल। दोस्तों TCP/IP मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, या आप ऐसे समझ ले कि एक लैंग्वेज है इंटरनेट एक्सेस करने की, इंटरनेट इस्तेमाल करने की, यानी इंटरनेट में कैसे दो कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को TCP/IP कहा जाता है। ये TCP/IP दो प्रोटोकॉल है, TCP एंड IP। आइए सबसे पहले आईपी की बात करते हैं। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में आईपी एड्रेसेस पर काम किया जाता है। इसमें एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसके पास बहुत सारे अलग अलग एड्रेसेस होते हैं और जैसे ही कोई भी कंप्यूटर अपने पास इंटरनेट को ऑन करता है ये ISP उसको अपने पास मौजूद एड्रेसेस में से एक एड्रेस दे देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एड्रेस क्यों देता है, तो दोस्तों फॉर एग्जांपल कोई आपको ईमेल सेंड करना चाहता है तो उसके पास आपका ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, तभी वो आपको ईमेल सेंड कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही आप जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आपके कंप्यूटर का भी तो कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए, तभी तो इंटरनेट पर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स आपको डेटा सेंड कर सकेंगे, क्योंकि इंटरनेट पर भी यही एड्रेसेस आपकी शनाख्त करता है। यानी अब जो भी कंप्यूटर आपको जो भी डाटा सेंड करेगा वो इसी एड्रेस पर आपको डाटा भेजेगा। तो दोस्तों ये हर कंप्यूटर को अलग अलग आईपी एड्रेसेस देना और जब वो कंप्यूटर इंटरनेट ऑफ कर दे तो उससे वो एड्रेस ले लेना, ये तमाम काम इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए होते हैं। अब आप इंटरनेट से कनेक्ट तो हो गए आईपी के जरिए, लेकिन अब नेक्स्ट काम है डाटा को सेंड करना, मींस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड करना। ये कैसे होता है? ये होता है TCP के जरिए। TCP मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, मींस डाटा कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा इंटरनेट के जरिए। अब आप इंटरनेट के जरिए कोई रिक्वेस्ट करते हैं व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो ये रिक्वेस्ट भी क्या है? डाटा है। जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है तो सर्वर जिसके पास तमाम डाटा मौजूद होता है आपको आपकी मर्जी का डाटा दे देता है। अगर ये डाटा एक साथ नहीं देता बल्कि एक बड़े से डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करके आपको देता है, तो TCP का पहला काम क्या हुआ? एक बड़े डाटा को, एक लार्ज डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करना और जब वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो उन्हें सेंड करना। फॉर एग्जाम्पल ये दो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, ये इंटरनेट के जरिए डाटा को सेंड और रिसीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर 1 कोई डाटा सेंड करेगा, तो उस कंप्यूटर 1 का जो TCP है उस डाटा को सेंड करने से पहले उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद कंप्यूटर 2 को दे देगा। लेकिन कंप्यूटर 2 के बाद जो TCP है वो फौरन पैकेट्स नहीं लेगा, बल्कि क्योंकि पैकेट्स अलग अलग रूट से आए होंगे, अलग अलग सीरियल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल पैकेट 2 पहले आ गया होगा और पैकेट 3 बाद में, या फिर पैकेट 2 पहले आ गया होगा और पैकेट 1 बाद में,
तो इन तमाम पैकेट्स को सीरियलाइज करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले पैकेट 1, फिर 2, फिर 3, और सीरियलाइज करने के बाद ही कंप्यूटर 2 को दे देगा। बिल्कुल ऐसे ही जब कंप्यूटर 2 को रिस्पॉन्ड करना होगा तो वो भी डेटा को, कंप्यूटर 2 का टीसीपी डेटा को पैकेट्स में ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद कंप्यूटर 1 को दे देगा, कंप्यूटर 1 का टीसीपी उसको रीअसेंबल करेगा, सीरियलाइज्ड करेगा और फिर अपने कंप्यूटर को वो रिस्पॉन्स दे देगा। इस तरीके से टीसीपी आईपी के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम किया जाता है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आइए इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। दोस्तों आप ऐसा समझ लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है जो कि इंटरनेट का काम कर रहा है, उस रेस्टोरेंट के अंदर एक डिलीवरी बॉय है जिसके पास, जो कि टीसीपी का काम कर रहा है, उसके पास छोटे छोटे खाने के बॉक्सेस हैं जो कि पैकेट्स हैं। अब टीसीपी को उन पैकेट्स को लेकर जाना है कहाँ, आपके घर के एड्रेस पर। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेट पर तमाम डाटा मौजूद होता है, टीसीपी उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है और जो जिसने वो डाटा मंगवाया होता है, जैसे कि जिसने उस डाटा की रिक्वेस्ट की होती है, उसको वो डाटा पैकेट्स की शक्ल में दे देता है। इसीलिए ये कनेक्शन बहुत ज्यादा रिलायबल होता है और बहुत महफूज होता है। ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपने गूगल पर कुछ सर्च किया हो और आपके बराबर में कोई कंप्यूटर मौजूद हो जिसका रिस्पॉन्स, जिसका रिजल्ट उस दूसरे कंप्यूटर में आ गया हो। तो ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की वजह से नहीं होता। और अगर आपका कंप्यूटर कोई सा भी हो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, अगर आपके कंप्यूटर में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज नहीं हो रहा तो वो इंटरनेट के जरिए कुछ भी डाउनलोड या फिर अपलोड, रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स और सेंड या फिर रिसीव नहीं कर सकता। के बाद है अगला प्रोटोकॉल जिसका नाम है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्किंग। तो दोस्तों आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया था। दोस्तों पहले जो टेलीफोनिक लाइंस थी वो पूरी एनालॉग ट्रांसमिशन थी, यानी उनमें से सिर्फ एनालॉग सिग्नल यानी कि सिर्फ वेव्स ही ट्रांसफर हो सकती थी। लेकिन फिर कंप्यूटर आ गए, क्योंकि हमारी आवाज एनालॉग सिग्नल है तो इसीलिए टेलीफोन एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करता था। लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ डिजिटल डाटा पर काम करता है, मींस 1 और 0s पर। और फिर कंप्यूटर के बाद आ गया इंटरनेट, तो अब जिस केबल से, जिस टेलीफोन लाइन से एनालॉग सिग्नल जा रहा था, वहां से इस डिजिटल सिग्नल को यानी आपके कंप्यूटर को सिग्नल को कैसे मूव करवाएं, तो इसीलिए डेवलप किए गए मोडेम जिसके जरिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उस टेलीफोनिक लाइन पर डिजिटल डाटा को भी ट्रैवल करवाया जा सके। अब उस केबल पर सारा डाटा एनालॉग सिग्नल्स पर मुश्तमिल था, लेकिन एनालॉग सिग्नल्स के कुछ डिसएडवांटेजेस थे। दोस्तों अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस तक एनालॉग सिग्नल को मूव करवाया जाए, फॉर एग्जाम्पल एक एनालॉग सिग्नल यूएसए से पाकिस्तान भेजा जाए, तो ऐसे में उसकी क्वालिटी खराब हो जाती थी। दूसरी चीज कि एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स की निस्बत कम इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, तो इसीलिए 1980s में फिर बनाया गया ISDN, जिसके जरिए आप उस टेलीफोनिक लाइन पर डिजिटल सिग्नल को ट्रैवल करवा सकते थे। कैसे? दोस्तों इसमें टेलीफोन से निकलने वाली वॉइस जो कि एनालॉग सिग्नल थी, फैक्स मशीन से निकलने वाला डेटा और कंप्यूटर से निकलने वाली वॉइस और वीडियोस और इमेजेस को, मींस तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करवाया गया एक ISDN अडैप्टर से, जो कि तमाम सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता था और उस टेलीफोनिक लाइन पर डाल देता था। और अब ISDN के जरिए उस टेलीफोनिक लाइन पर डिजिटल ट्रांसमिशन भी होने लगी। तो दोस्तों ये था ISDN का काम कि वो तमाम एनालॉग सिग्नल्स को एक अडैप्टर से गुजारता था जिसके जरिए उनको डिजिटल बना देता था। उसका फायदा ये था कि डिजिटल ट्रांसमिशन एनालॉग की निस्बत ज्यादा तेज होती है, ज्यादा फास्ट होती है और ज्यादा रिलायबल होती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि टेलीफोनिक सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज दोनों एक ही केबल यूज कर रही थी। तो अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और किसी की कॉल आ गई तो आपको इंटरनेट बंद करना होता था, आपका इंटरनेट या फिर खुद ही बंद हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। दोस्तों इसमें वायर का 30% दे दिया गया टेलीफोनिक सर्विसेज को, यानी कि जो हम बात करते हैं उसे,
और 70% दे दिया गया इंटरनेट सर्विसेज को। इस तरह आप एक वक्त में इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं और टेलीफोनिक कॉल्स भी ले सकते हैं, और ये ISDN के निस्बत ज्यादा फास्ट डेटा को ट्रांसफर करता था। तो दोस्तों ये थे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए। अगले लेक्चर में हम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की डिटेल देखेंगे।